नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्तंकु स्वागत। तो आज आम ए वीडियो रे अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स विषय टीर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो पिलाने वीडियो टी निश्चित भाव शेष पर्यंत देखाओ। जदि वीडियो टी भल लगे तेज वीडियो टी लाइक कर देव। तो चलो प्रश्नावली आरंभ करवा। तो देख एक नंबर प्रश्न कही शून्य स्थान पूरण पाई आवश्यक शब्द बा शब्दपुंज टी लेख। तो फास्ट कौन कही कृत्रिम तंतु को डेस तंतु एवं डेस तंतु कहा जाए। तेज कृत्रिम तंतु को संश्लेषित तंतु एवं पॉलीमर तंतु कहा जाए। तापर सेकेंड रे कही प्रथम संश्लेषित तंतु हूँ डेस। तेज प्रथम संश्लेषित तंतु हूँ पॉलीथीन। तापर थर्ड रे कही कृत्रिम तंतु भाई प्लास्टिक्स डेस अटे। तेल प्लास्टिक्सटा कौन हम पॉलीमर। तापर फोर्थ रे कही पॉलीमर प्रत्येक अंश को डेस कहा जाए। तेल पॉलीमर प्रत्येक अंश को एकक कहा जाए। तापर देख दुई नंबर चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर टी बाछी लेख। तो ये कही क्योंटी वस्तु रूपे एवं काच परिवर्तन व्यवहृत होउची। तो यू कौटा हम फर्मिका मेलामाइन पॉलीस्टीरन एक्रिलिक। ताले ठीक आंसर कौटा हम ना एक्रिलिक। तापर सेकेंड कही क्योंटी नॉनस्टिक बासन में व्यवहृत होउची। ताले पीवीसी टेफ्लॉन बेकेलाइट फर्मिका। ताले कौटा हम ना सेकेंड इटा ख टेफ्लॉन। तापर थर्ड कही इलेक्ट्रिक स्विच प्लग आदि क्योंटी रूप प्रस्तुत होउची मेलामाइन बेकेलाइट पॉलीस्टीरन पॉलीप्रोपीन। ताले कौटा हम ना बेकेलाइट। तापर देखिए फोर्थ रे क्योंटी को कांथरे व्यवहृत टाइल प्रस्तुत हुए। कांथरे व्यवहृत टाइल प्रस्तुत हुए क्योंटी रूप फर्मिका मेलामाइन टेफ्लॉन पॉलीस्टीरन। कौटा हम ना मेलामाइन है। तो खटा हूँ ठीक आंसर। तापर देख तीन नंबर कौन कही निम्नोक्त मध्य केगुड़िक पुनःचक्रण योग्य और केगुड़िक पुनःचक्रण अयोग्य प्लास्टिक अलग तालिका कर। टेलीफोन जंत्रपाति प्लास्टिक्स खेलना जो देखी तालिका तो ताको आम अलग अलग कर लिखा। जमी पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक कौ गुड़ाक हम ना प्लास्टिक खेलना चौकी विद्युत तार बाह्य आवरण डट पेन है आउ प्लास्टिक खोल एगुड़ाक हूँ पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक। आउ पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक ये भितर कौटा हम ना टेलीफोन जंत्रपाति रोसई बासन हैंडल आउ विद्युत स्विच एगुड़ाक हूँ पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक। एबे देख चार नंबर प्रश्न निम्नोक्त जिनिष गुड़िक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रु काहीं प्रस्तुत करा जाए बुझाओ। तो ये जो जिनिष गुड़िकर ना देखिए सस्पेन तावा प्रेशर कुकर हैंडल विद्युत प्लग एवं स्विच बोर्ड एगुड़ाक सब थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रु काहीं प्रस्तुत करा जाए। तो युड़ाक देखिपार ये जो सस्पेन हैंडल होगा कि प्रेसर हैंडल कि तावार जो हैंडल गुड़ाक कहीं सस्पेन तावा और प्रेशर कुकर हैंडल आदि ताप कुपरिवाही होगा आवश्यक कारण एसबु द्रव्य रोसई सरंजाम एसबु थर्मो सेटिंग प्लास्टिक निर्मित नहले एहा उत्तप्त हेले नरम हो तरल अवस्था को चली आसे तेणु व्यवहार उपयोगी हो पारिबो नाही। जेमती आमर नॉर्मल प्लास्टिक गुड़ाक गरम है मैंने से तरणी जाए। जदि ये जिनस गुड़ाक एगुड़ाक तो रोसे सरंजाम तो रोसे काम व्यवहार कराए। तो जिते बड़े प्रेसर कुकर तात बा गरम हम से हैंडल भी गरम होरणी जाए आमर मानने कौन सी काम आसबन तेणु ये जिनसटा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रे निर्मित जहाँफल एटा गरम हेले तरले नाही। तापर आमर ये विद्युत प्लग एवं स्विच बोर्ड गुड़ाक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रे निर्मित होइथाय। तो देख विद्युत प्लग एवं स्विच बोर्ड आदि पदार्थ विद्युत परिवहन रे व्यवहृत हुए एसबु थर्मो सेटिंग प्लास्टिक निर्मित नहले विद्युत परिवहन बेले एसबु उत्तप्त हो नरम हो तरल अवस्था को चली आस तेणु एसबु थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रे निर्मित होगा आवश्यक। तो पिलाने ये जो स्विच बोर्ड हो कि जो आमर तार गुड़ाक से गुड़ाक सब यही थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रे निर्मित हो कौन पा ना जिते ताप विद्युत जिते पास करे तो सेटा निश्चित भाव में गरम हुए गरम होगा फल से गुड़ाक तरली जीव तेणु एगुड़ाक सब थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रे निर्मित होगा आवश्यक। पांच नंबर देख नाइलन तंतु खूब शक्त बुझापी दुईट उदाहरण लेख। तो नाइलन तंतु तो युवाक देखिपार नाइलन सूता हो कि दौड़ी हो युवाक सब नाइलन सूतार
तयारी बा नाइलन तंतु तबे नाइलन तंतु खूब शक्त हेतु एहा विभिन्न यंत्रांश प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाय। नाइलन तंतु रे प्रस्तुत कपड़ा रो स्वेटर पोशाक कना कंबल ओ गालीचा आदि प्रस्तुत करा जाय। एगुडी को मजबूत ओ दीर्घकाल स्थायी तो ए नाइलन तंतु बहुत मजबूत होइता एवं दीर्घकाल स्थायी होइतबा जोगु एगुडा को सब कौन विभिन्न प्रकार यंत्रांश प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाय किबा पोशाक कंबल गालीचा सब प्रस्तुत करा जाय। तापर 6 नंबर कहिछे रेयन को कृत्रिम तंतु कहा जाय काहेकी रेयन तो रेयन को काहेकी कृत्रिम तंतु कहा जाय। रेयन तंतु को रासायनिक पद्धति रे प्रस्तुत करा जाय। रासायनिक पद्धति रे अशुद्ध सेलुलोज को विशुद्ध सेलुलोज रे परिणत करि रेयन प्रस्तुत करा जाय। रासायनिक पद्धति रे मनुष्यकृत तंतु रेयन होइथिबारु एहाको कृत्रिम तंतु कहा जाय। तापरे 7 नंबर कहिछि सिला ओ इला खरा दिने पिंधिबा पई पोशाक किणिबाकु दुकान को गले सेमानक पई केउ कपडार पोशाक आरामदायक हेबो कारण सब आलोचना कर कहिछि। ताले खरा दिन रे सिलाइला पोशाक किणिया पई दुकान को जाइछंती तो सेमाने केउ कपडार पोशाक किणिबे जोटा पिंधिबा द्वारा ताकु आराम लागिबो तो आलोचना करिया पई कहिछि। तो देखो सिला इला खरा दिने पोशाक किणिबाकु गले खरा दिन पई पशम बा उल वस्त्र उपयुक्त नुहे कारण उल वस्त्र अधिक गरम। एक्रिलिक तंतु प्रस्तुत कपड़ा मध्य खरा दिन पई अधिक उपयोगी नुहे। खरा दिन पई पॉलीमर वस्त्र पिंधिले अतृप्तिकर लागे कारण खरा दिने झाड़ बहिले एही झाड़ पॉलीमर वस्त्र द्वारा अवशोषित होई पारे नाही। तेणु सबुठारु भलो हेउची कॉटन वस्त्र किणिबा कॉटन बा जो सूता वस्त्र ताले सूता वस्त्र होउची सबुठारु भल खरा दिन पई। तापर 8 नंबर रोसे करिबा समय रे केउ कपडार पोशाक निरापद पुछाओ तेबे रोसे समय रे को कपडा माने सबुठारु बेसी निरापद ना रोसे कला बेले अधिक तापमात्रा रे काम करिबाकु पडे एपरि स्थळे पॉलीमर वस्त्र पिंधि रोसे कले निया लागि जिवार भय रहिथाय। निया लागिले पॉलीमर वस्त्र गुडीक हठात तरळी जाय शरीरर चर्म ओ मांस सह लाखि होइ रहि जाय। तो पॉलीमर रो जदि आमे कपडा पिंधितिबा ताले सेही पॉलीमरटा तरळी जाय तो सेटा तो पड़बन तरड़ी देहरे लगिजी चमड़ा सह लग कि पूरा चमड़ा को पोड़ पकेब फल चिकित्सा असुविधा हुए और पड़ाघा सुझे विलंब हुए। तेणु रोसे कला बेले कटन वस्त्र पिंधि रोसे करवा आवश्यक। तापर 9 नंबर देख थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिस प्लास्टिक मध्य पार्थक्य लेख। तो देख थर्मोप्लास्टिक आ थर्मोसेटिस प्लास्टिक मध्य पार्थक्य कौन रही ना प्रथम हूँ यही प्रकार प्लास्टिक को उत्तप्त कले नरम हो तरल अवस्था को आसे और पुनर्वार थंडा कले कठिन हो जाए। आ थर्मोसेटिस प्लास्टिक कौन हुए ना यही प्रकार कठिन प्लास्टिक उत्तप्त कले नरम हुए ना कि तरल अवस्था को आसे ना। तापर देख सेकेंड पॉइंट एगुड़िकर भौतिक परिवर्तन प्रत्यावर्ती एगुड़िकर भौतिक परिवर्तन अप्रत्यावर्ती एपरि प्लास्टिक गठन रे रैखिक एकक सज्जा रही था किंतु थर्मोसेटिस प्लास्टिक से कौन हुए ना एपरि प्लास्टिक गठन रे क्रॉस लिंक्ड एकक सज्जा रही थाए। तापर देख ये लिखिथिबा गोटे पॉइंट एपरि प्लास्टिक प्रस्तुति बेले जो आकृति धारण करिथांती ताहा परिवर्तनशील आउ एपटे लिखिथिबा एपरि प्लास्टिक प्रस्तुति बेले जो आकृति धारण करिथांती ताहा अपरिवर्तनीय एपरि प्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य कौ गुड़ाक ना आम थर्मोप्लास्टिक्स ताले गुड़ाक हूँ पुनःचक्रण योग्य आ थर्मोसेटिस प्लास्टिक्स हूँ ये प्लास्टिक गुड़ाक पुनःचक्रण योग्य। तापर यह परिवेश प्रदूषण करे नहीं किंतु थर्मोसेटिस प्लास्टिक्स परिवेश प्रदूषण रो एक मुख्य कारक कौन पाई ना थर्मोसेटिक प्लास्टिकटा गरम कले तरड़ी जाए एवं पुणी थंडा कले टाण हो जाए तो ताकु पुनर्बार व्यवहार करहब रीयूज करहब किंतु थर्मोसेटिस प्लास्टिक्सटा आउ सेकेंड टाइम यूज करहब ना। आउ पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीस्टीरन बा थर्मोकोल एक्रिलिक ओ टेफुलन ए प्रकार प्लास्टिक्स अंतर्भुक्त ताले गुड़ाक हूँ तार एग्जाम्पल। आउ एपटे देख बेकलाइट मेलामाइन और फर्मिका आदि ए प्रकार प्लास्टिक रो अंतर्भुक्त हौ। तापर देख 10 नंबर जैव अवक्षय योग्य पदार्थ एवं जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ मध्य पार्थक्य लेख। तो देख जे
जैव अवक्षय योग्य पदार्थ कौ गुड़ा कहवा तेज़े जो पदार्थ गुड़िक मटीर बैक्टेरिया द्वारा विघटित हमें से गुड़ी जैव अवक्षय योग्य पदार्थ कहती आउ जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ कौ गुड़ाक ना जो पदार्थ गुड़िक मटीर बैक्टेरिया द्वारा विघटित हमें ना से गुड़ी जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ कहती तेल ये जैव अवक्षय योग्य पदार्थ कौन हुए ना एगुड़िक मृत्तिका प्रदूषण करती कि एगुड़िक मृत्तिका प्रदूषण मुख्य कारक कागज पनीपरिया चोपा फल चोपा काठ पशम कपा सूता वस्त्र आदि जैव अवक्षय योग्य पदार्थ गुड़ाक हूँ तार उदाहरण आ प्लास्टिक जिनस आदि जैव अवक्षय योग्य पदार्थ तापर एगार नंबर देख पुनःचक्रण योग्य पदार्थ एवं पुनःचक्रण अयोग्य पदार्थ कौ गुड़ाक से गुड़ाकर आम पार्थक्य लिखा तो देख पुनःचक्रण योग्य पदार्थ और पुनःचक्रण अयोग्य पदार्थ ताले दुटा मध्य पार्थक्य तेबे जो पदार्थ को रासायनिक पद्धति में पुनर्बार व्यवहार योग्य पदार्थ में परिणत करण योग्य पदार्थ कहती आउ जो पदार्थ को रासायनिक पद्धति में पुनर्बार व्यवहार योग्य पदार्थ में परिणत करण योग्य पदार्थ कहती ए प्रकार पदार्थ परिवेश प्रदूषण मुख्य कारक नुहंती आउ ए प्रकार पदार्थ परिवेश प्रदूषण मुख्य कारक टीण आलुमिनियम धातव पदार्थ भंगा काच और पॉलीथिन पीवीसी थर्मोकोल एक्रिलिक टेफुलन आदि प्लास्टिक पुनःचक्रण योग्य ताले यही जो एग्जांपल हैला यही गुड़ाक सब आम पुनःचक्रण करिपारिबा किंतु बेकेलाइट मेलामाइन और फर्मिका आदि प्लास्टिक पुनःचक्रण योग्य पदार्थ अटे तो युवाक आम पुनःचक्रण करिपारिबा नाही। तापर बार नंबर पॉलीमर कौन गोटे उदाहरण दे बुझाओ पॉलीमर कौन ताले ना पॉलीमर दुईट ग्रीक शब्दर उद्भव पॉली ओ मर एम आर मेर ताले पॉली हूँ अनेक मेर हूँ एकक यार अर्थ अनेक प्रकार एकक अणुर बारंबारता मन कर ईस्टर एक एकक तबे अनेक ईस्टर द्वारा गठित बृहत्तम अणु पॉलीस्टर एक पॉलीमर पॉलीमर गुड़िक बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा सृष्ट इथिर बहुलीकरण रु पॉलीथिन सृष्ट। तापर देख तेर नंबर कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण सहायक कि दसटी वाक्य आलोचना कर तो देख यार उत्तर कौन हम ना कृत्रिम तंतु गुड़िक मनुष्यकृत एगुड़िक रासायनिक प्रक्रिय सृष्ट ताले ये जो कृत्रिम तंतु प्राकृतिक तंतु कृत्रिम तंतु कृत्रिम तंतु गुड़ाक मनीष या जो गुड़ाक रासायनिक प्रक्रिय से गुड़ाक सृष्टि करा जाएगी प्लास्टिक पॉलीस्टर पॉलीथिन नाइलॉन रेयन आदि तंतु कृत्रिम तंतु एगुड़ी को व्यवहार कलापे परित्यक्त आवर्जना को आम एणे तेणे फोपाड़ी देऊ किंबा जाड़ी देऊ किंबा गात खोड़ी माटी दे पोती देऊ एगुड़ी सस्ता हेतु आम यार व्यवहार बहुत भाव में करुचु तेणु प्लास्टिक आवर्जनार परिमाण सबू आवर्जना अपेक्षा अधिक एगुड़ी माटी तले गात करी पोती देले वर्षा जल माटीर तलस्तर को जीवार अवरोध करती या फल भूतल जल स्तर परिमाण कमी जाए फल वृक्षर जलग्रहण परिमाण कमी जाए जलाभाव अनेक वृक्ष मरी जाए तेणु जंगल संरक्षण व्याघात सृष्टि हुए ताले कौन हो जो प्लास्टिक्स गुड़ाक मटीर पोती देवा द्वारा से ही स्थान कौन हुए ना जो वर्षा जलटा मटी तल को जापे ना ताले तल स्तर को जीवार अवरोध घटे फल भूतल जलस्तर परिमाण कमी कमी जाऊँ फल वृक्षगुड़िक जलग्रहण परिमाण कमी जालाभव अनेक वृक्ष मरी जाती तेणु जंगल संरक्षण में व्याघात सृष्टि हो कृत्रिम तंतुर कठिन अवशेष मृत्तिका प्रदूषण मुख्य उत्स प्रदूषित मृत्तिकार वृक्ष भल बढ़े ना तेणु ता जंगल संरक्षण में सहायक हुए ना भूतल जलर स्तर कमी हेतु वर्षा कमी जाए तेणु जलचक्र व्याहत सृष्टि हुए यह संरक्षण में बाधा सृष्टि करे तेणु मोट उपरे कहिबाकु गले कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण में आदौ सहायक नुहे। तापर चौदह नंबर देख प्लास्टिक ठारु दूर से रुह यह उक्तिर विज्ञान भित्तिक तात्पर्य दस टी वाक्य आलोचना कर ताले प्लास्टिक ठारु दूर से रहिबापई कही ना तो यार विज्ञान भित्तिक तात्पर्य दृष्टि लिखा तो प्लास्टिक रो व्यवहार अत्याधुनिक जुगर बहुल भाव में होचुर परिमाण यार कठिन अवशेष सृष्टि होउची
प्रति क्षेत्र रे प्लास्टिक रो व्यवहार बिना आम चलिबा कष्टकर होई पडुची तेणु प्रति क्षेत्र रे प्लास्टिक रो व्यवहार करी यार आवर्जना परिमाण आम बढ़े बढ़े चलीचु ताले प्रति क्षेत्र रे प्लास्टिक व्यवहार जमी आम मार्केट चली गले आमे घर बैग नाप भूली जाइ तो कौन होना से जहाँ जिनस आने सब पलिथिन धरी धरिक घर को फेरु जो पलिथिन गुड़ा कि आमर आनसी व्यवहार में आसूनी से पलिथिन गुड़ाक कि किसी करहनी से गुड़ाक से डस्टबिन को जाऊँ तो से गुड़ाक जीवा फल बढ़ी बढ़ी आवर्जना बढ़ी बढ़ी जाऊँ ना प्लास्टिक्स आवर्जना को एणे तेणे फोपाड़ी देले से गुड़ी गाई गोरु कुकुर आदि जीवजंतु खाई पेट रोग से आक्रांत हुंती तेणु प्लास्टिक आवर्जना को एणे तेणे फोपाड़ा अनुचित ताले ए जो प्लास्टिक बैग रे किछ आमे जदि खाद्य सह आमे पकेई देबा ताले से गुड़ाक जदि गोरु गाई हो किबा कोनसी कुकुर से माने जदि खाई देबे ताले से माने कोन खाऊ खाऊ जरी सह से माने खाई दियंते फल रे विभिन्न प्रकार पेट रोग रे से जीवजंतु गुड़ाक आक्रांत हुंती तेणु प्लास्टिक आवर्जना को एणे तेणे फोपाड़ा मध्य अनुचित प्लास्टिक्स आवर्जना को जाड़ी देले एथिरु निर्गत मिथेन और अन्यान्य विषाक्त बाष्प परिवेश को प्रदूषण करिथाय एणु प्लास्टिक आवर्जना को जाड़ीबा अनुचित प्लास्टिक आवर्जना को माटी रे गात करी पोती देले सह सह वर्ष माटी तले अक्षय अवस्था रे रही मृत्तिका प्रदूषण करिथाय कोन पा नै प्लास्टिक जेंती हमर पत्र हला कागज हला काठ हला एगुडा को माटी रे मिसी जाउची किंतु ए प्लास्टिक कोन होची ना केबे नष्ट हुएनि सह सह वर्ष माटी तले रहिले मध्य ताहा कोन हुए माटी रे मिसेनि ताहा मृत्तिका प्रदूषण करिथाय एहा मध्य वर्षा जल को माटी तल स्तर को जीवारे अवरोध करे फलरे भूतल जल स्तर कमिबारे एहा सहायक होउची एहा को नदी बा समुद्र सज्जारे माटी तले पोती देले एहा जल प्रदूषण करी जलज जीव मानक मृत्युर कारण हुए तेणु प्लास्टिक आवर्जनार सदुपयोग करिबार उपयुक्त उपाय विषय आम एपर्यंत अनभिज्ञ तेणु ध्वंस मुखर बर्तवाक आमको प्लास्टिक व्यवहार कमाइबा को हम ताल आम कौन करा जिते संभव हो पार प्लास्टिक केमती व्यवहार कम करती सजग होगा जमी आम मार्केट जाऊ मन करूँ कौन यो आम कपड़ार बैग एगुड़ाक सब व्यवहार करवा उचित कपड़ा बैग एगुड़ाक नहीं घर बैग नहीं गले आने बेकारटे आमको पलिथिन नहीं कि घर को आसपाई पड़े ना फल पलिथिन परिमाण धीरे धीरे कमी तापर देख 15 नंबर प्लास्टिक मनुष्य उत्तम बंधु किंतु परम शत्रु 10 वाक्य मध्य उक्तिर सत्यता लिखापी कही तो देख कटा घा पोड़ा घा आदि क्षत को सिलई करने प्लास्टिक छुंची सूता और इंजेक्शन देवाई प्लास्टिक सिरिंज आवश्यक जमती घा कहार घा है कि कौन क्षत है कि ऑपरेशन टाइम रे डाक्तर माने सब कौन करुछंती ना सिलई जो करुछंती से गुड़ा प्लास्टिक सूता रे ही करुछंती आ जो इंजेक्शन जो सिरिंज रही से गुड़ाक मध्य प्लास्टिक रे तैयारी तो मारात्मक रोगर शल्य चिकित्सा बेले प्लास्टिक द्रव्यर आवश्यकता रही डाक्तर माने व्यवहार करुथिबा ग्लोव्स मध्य प्लास्टिक निर्मित विद्युत शक्ति आमर अति उपादेय एहार परिवहन रे प्लास्टिक्स रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण परिवाही तार उपरे गुड़ा होइतबा अंतरक स्विच प्लग आदि प्लास्टिक निर्मित ताले जो विद्युत शक्ति जो परिवहन रे कौन सब प्लास्टिक गुड़ाकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कौन पाईना जो तार गुड़िक सब तार उपरे प्लास्टिक सब गुड़ाणिया रही कि स्विच बोर्ड है गुड़ाक सब प्लास्टिक रे तैयारी विभिन्न प्रकार दामी उपकरण परिवहन पाई पैकिंग आवश्यक यही पैकिंग थर्मोकोल पर पदार्थ आवश्यक यही थर्मोकोल पॉलीस्टीरन नामक प्लास्टिक्स रु निर्मित आमर अनेक नित्य व्यवहार्य द्रव्य मध्य प्लास्टिक्स निर्मित तेणु प्लास्टिक्स बिना आम बचा असंभव तेणु प्लास्टिक्स आमर उत्तम बंधु प्लास्टिक्स आवर्जना को पड़ी देले निर्गत मिथेन और केतक विषाक्त बाष्प परिवेश को विषाक्त कर आमर क्षति साधन कै ताले प्लास्टिक गुड़ा को आम कौन माटी तले पोती पारानी कि पोतवा द्वारा जो पानी जो वर्षा जलटा माटी तल को जापारूनी ना आदि ताको आम पोड़ा तो से मिथेन आतक विषाक्त बाष्प बाहर जहाँफल वायुमंडल विषाक्त हो प्लास्टिक आवर्जना को माटी तले पोती देले बीजाणु द्वारा अपघटित तो न हो वर्ष वर्ष पड़ रही मृत्तिका प्रदूषण करुचे माटी तले पोती होता प्लास्टिक आवर्जना बृष्टि जल को अवरोध कर भूनिम्नस्त जलस्तर कमी जाए जहाँ समग्र जीवजगत प्रति विपद प्लास्टिक पैकिंग में थी खाद्य पदार्थ अनेक दिन रहीगले खाइबारे आमर अनेक रोग सृष्टि होता है प्लास्टिक पैकिंग तो जो प्लास्टिक
पैकिंग होता है खाद्य से खाद्य गुड़ाक बेस दिन पर खाद्य गुड़ाक खाइबा तो विभिन्न प्रकार रोग होता है। एणे तेणे पड़ता प्लास्टिक्स आवर्जना को केतक जीवजंतु खाईदे रोग से पड़ मृत्यु मुखर पड़ुंट तेणु प्लास्टिक्स आमर शत्रु ताले जेमती प्लास्टिक आमर बंधु सेमती प्लास्टिक आमर परम शत्रु। तापरे 16 नंबर देख प्लास्टिक को पोतिबा अनुचित एवं पोड़िबा भी अनुचित काहेकि बुझाओ पोतिबा भी अनुचित पोड़िबा भी अनुचित ताले जो जिनसटा यार पूर्व आंसर रे थिला ना तो सेइटा प्लास्टिक को माटी तले पोति देले सेगुडीक सह सह वर्ष माटी रे अक्षय अवस्था रे रही मृत्तिका प्रदूषण करुचे पुनश्च वर्षा जल माटी रो तल स्तर को जिबारे अवरोध करे तेणु भूतल जल स्तर रो परिमाण कमी जाए। जदि दुनिया सारे जी प्लास्टिक सबू माने बाहर ताकि सब मटी तले पोतिबा तेल कौन हम चार सब मटीर ऊपर स्तरटा पलिथिन द्वारा ही पूरा ढांकी जीव फल कौन हम वर्षा जल आू तल को जापर ना यहाँ नदी व समुद्र शज्जे पोतिदेले जल प्रदूषण करने फल केतेक जलक जीवंर मृत्युर कारण हुए ताले जलजीव माने सब कौन हमें से प्लास्टिक पानी रे पकेवा द्वारा से प्रदूषण घटुच्छे तेणु प्लास्टिक को पोतिबा अनुचित। प्लास्टिक को निरे पड़ीदे प्रचुर परिमाण में मिथेन गैस निर्गत हो वायु प्रदूषण कै मिथेन गैस जोटा कि वायु प्रदूषण करें पोड़ा तेल आमर बहुत किसी माने असुविधा रोचे पड़ी सारे रोकवा कठिन अवशेष मृत्तिका प्रदूषण करे ताले ताकु पड़ी देले मध्ये से जे पूरा मेल्ट हो सेमती नुह ताले से जो पड़ी सारापुर तार गोटे शेष गोटे कठिन अवशेष गोटे रही जाऊँ जोटा कि पुणी मृत्तिका प्रदूषण करिथाय तेणु प्लास्टिक को पड़ा अनुचित। तापर 17 नंबर पीवीसी रो पूरा नाम इंग्राजी ओ ओडिया रे लेख पीवीसी ताले पीवीसी रो पूरा नाम होची पॉलीविनाइल क्लोराइड हैला पॉलीविनाइल क्लोराइड। तापर कोची पीईटी रो पूरा नाम इंग्राजी ओ ओडिया रे लेख ताले पीईटी तेबे पीईटी रो पूरा नाम होची पॉलीएथिलीन टेरेप्थालेट हैला टेरेप्थालेट। तापर 19 नंबर कोची बाम पार्श्व रो संपर्क को लक्ष्य करी दक्षिण पार्श्व शून्य स्थान पूरण करो तो ये कौन कही थर्मोप्लास्टिक्स रैखिक एकक सज्जा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कौन हम क्रॉस लिंक एकक सज्जा सेमती थर्मोप्लास्टिक्स पुनःचक्रण योग्य आउ थर्मो सेटिंग हूँ पुनःचक्रण अयोग्य। तो पिलामाने एठे हमर प्रश्नावली समस्त प्रश्नर आलोचना सरला आशा करछि भिडियोटी तुमको भल लगे प्रश्नर उत्तर गुड़िक भल भाव में बुझी जाइए भिडियोटी किप लगेगा कमेंट करके जनइबो जदि भल लगी था तेब भिडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलिबोनी तेब रोचे पुणी देखा हम आ गए नुआ भिडियो धन्यवाद।